नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत और मैं हूं मनीष कुमार झा। आज बात करते हैं 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर। लगातार मुख्यमंत्री इसे अपने पल्ले में करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में रहने वाले ज्यादातर लोग इनको समर्थन करें, इसलिए इन्होंने स्थानीय नीति लेकर आए हैं। पहले हेमंत सोरेन कह चुके थे कि जब यह नीति लेके आएंगे तो कोर्ट में यह लंबित रह जाएगा, लटक जाएगा, परंतु हमलावर विपक्ष के सामने उन्हें यह नीति बनानी पड़ी और यह विधेयक लेकर आना पड़ा। आज जब यह विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचा तो राज्यपाल ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि इसे स्थानीय तौर पर विवाद पैदा हो जाएगा। वहीं बाहरी भीतरी के मतभेद में यह राज्य बट जाएगा और विकास रुक जाएगा। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री क्या करते हैं, और पहले भी यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता कह चुके थे कि इसमें अनेक खामियां हैं, वह भी चाहते हैं कि स्थानीय नीति बने परंतु जो खामियां हैं उसे दूर कर लिया जाए। अब यह देखना होगा कि क्या इस खामियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि 27% OBC आरक्षण, 1932 खतियान, ये सभी मुद्दा लाकर हेमंत सरकार अपने आप को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, बीच में सरकार उथल पुथल हो रही थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों को लेकर रायपुर जाना पड़ा था, परंतु जब से यह मुद्दा वो लिए हैं मानो गूगली के तरह काम कर रहा है। सरकार अस्थिर है, चल भी रही है, और 1932 को लेकर वह इस पल्ले को केंद्र सरकार के मत्थे मरना चाह रहे हैं ताकि दोष केंद्र सरकार का हो और ये सिरे से निकल जाए। अब यह देखना होगा कि आगे का मुख्यमंत्री का कदम क्या होता है। अभी का जो खबर है वो यही कि इसे राज्यपाल ने लौटा दिया है। आज पूरे प्रदेश को इस बात की जानकारी है जो राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल की ओर राज्यपाल को एक विधायक के प्रति भेजी गई थी, जिसमें 1900 खतियान की बातें थी, और राज्यपाल ने कल राज्य सरकार को ने वापस किया। कुछ बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। हम राज्य सरकार से मेरा विनम्र प्रार्थना होगी कि आप राज्य के राज्यपाल ने जब वापस कर ही दिया है तो जिन जिन बिंदुओं पर राज्यपाल ने आपत्ति की है उन सारे बिंदुओं आपत्तियों को दूर करने के लिए आप राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए। उस पर हमारा ये सुझाव है कि राज्य सरकार जब भी हम देखते हैं अगर कोई छोटा मोटा करप्शन को लेकर के मामला जब कहीं भी आती है तो जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को ले आते हैं, और विधानसभा ये क्या करते हैं हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वो खड़ा कर देते हैं। तो निश्चित रूप से उन वकील जब यहां आते हैं तो करोड़ों रुपए उस पर खर्च होते होंगे, जो मेरे जानकारी में उन लोगों की बड़ी ऊंची फीस है। तो हम कहेंगे कि मामला झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों से ये जुड़ा हुआ मामला है, और इसलिए मेरा राज्य सरकार से मुख्यमंत्री से मेरा विशेष आग्रह होगा, अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से वो जो बड़े बड़े लॉयर है कपिल सिब्बल जैसे लोग यार, उन लोगों को आप ले आइए, और स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड के बच्चों के लिए क्या हो जिसे आपको दिल्ली और पार्लियामेंट या भारत सरकार को भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप बार बार इस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई कम से कम इस पर राजनीति नहीं करें, झारखंड के बच्चों के लिए झारखंड पर ही निर्णय हो, विधि सम्मत निर्णय, उसके लिए 2-3-4-5 करोड़ रुपया खर्च हो तो खर्च करिए,